आज आप लोगों के साथ इस वेलवेट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही में मैं आप लोगों को इस वी कॉलर हम कैसे इसमें अटैच कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये जो दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं इसको मैंने कैसे डिजाइन किया है ये भी वीडियो आप लोग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इस दुपट्टे का वीडियो भी देख सकते हैं। ये सब कुछ जो है वो मैंने वेलवेट फैब्रिक में बनाया है, दुपट्टा भी हमारा वेलवेट का ही है और लेस के साथ मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। आप लोग भी इस तरह की ड्रेस जो है वो बनाना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही सिंपल है ये और बहुत ही रिच लुक देता है। तो ब्लैक फैब्रिक तो वैसे भी रिच लुक देता है गाइस, तो जरूर आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिए। इस साल में बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस ये मेरा तैयार हो गया था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आई नो मैं बहुत लेट लेट वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, डोंट वरी, मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है मैंने, जो न्यू डिजाइन है वही मैंने तैयार करके रखा है, डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ जरूर स्टेप बाय स्टेप अभी मैं शेयर करती रहूंगी, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मुझे आप लोग देख सकते हैं। तो जरूर जो है मुझे सभी प्लेटफॉर्म पर जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह की मुझे पिक्चर आप लोग कोई डिजाइन मुझे आप लोग भेजना चाहते हैं तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वहां पर सेंड कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइज इस वाले लेस को जो है वो मैंने पूरा एक बंडल 9 मीटर का जो हमारा बंडल होता है पूरा पैक वो मैंने ले लिया है, और दुपट्टे में मैंने ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, मैंने इसमें 2 मीटर जो है वो मेरा लेस जो है वो रह गया था, और ये मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया, ये मैंने 6 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है, मैंने मुझे घेरा ज्यादा चाहिए था इसलिए मैंने 6 मीटर लिया है। तो जो लेस है उसी को हम इसके ऊपर डिजाइन करेंगे। मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है 4 मीटर, तो अगर आप घेरा कम रखना चाहते हैं तो 4 मीटर वेलवेट फैब्रिक 5 मीटर वेलवेट फैब्रिक ले सकते हैं, ये मैं सिर्फ घेरे में इस्तेमाल करूंगी। देखिए इसको स्लीव में नहीं लगाऊंगी इसलिए मैंने 4 मीटर लिया है। तो सबसे पहले देखिए मैं लाइनिंग में ही आप लोगों को लगाकर दिखा रही हूँ। तो गाइज ये कॉलर वाला ड्रेस है तो जरूर आप लोग एंड तक देख रही है, जितना मेरा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मैंने लिया है और 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लगा कर लिया है। इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ अपर पार्ट के लिए, और मैं यहाँ से इसको इस तरह से रखूंगी अभी। और सबसे पहले तो मैं अपर पार्ट कट करना बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से हम अपना शोल्डर लगाना शुरू करते हैं। तो 1 इंच देखिए मैं इसको इसमें एक्स्ट्रा लूंगी, और जितना आपका शोल्डर है 7 इंच का मेरा शोल्डर है तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं, तो जितना आपका शोल्डर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और यहाँ से मैं 1 इंच नीचे की तरफ लगा रही हूँ बैक के लिए, बैक में हम 1 इंच जो है वो ऊपर की तरफ उठा देते हैं ताकि हमारा कॉलर अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ से देखिए ये अभी जो मैंने लाइन लगाया है यहाँ से हम अपना आर्महोल का निशान लगा देते हैं, 7 इंच पर ही लगाना है, और मैं वेस्ट लेंथ लगा रही हूँ 16 इंच पे, 15 इंच का है मेरा तो मैंने 16 इंच पे 1 इंच प्लस करके लिया है। और अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए लगा देते हैं 7 इंच पे, 1 इंच बैक कर देते हैं फ्रंट के आर्म होल के लिए। अब हम इन दोनों को इस तरह से ये ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखिए ये मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए गाइस यहाँ पर हम अपना चेस्ट लगाएंगे, आपका जितना भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लगा दीजिए, और 2 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही ले रही हूँ। अब यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, अपने वेस्ट राउंड का 4 पार्ट लगाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हम इसमें डार्ट लगाएंगे। ओके, मैंने इसमें 1.5 इंच का ही मार्जिन लिया था तो मैं 2 इंच कर देती हूँ इसको अभी। तो ये इस तरह से आर्महोल का शेप इसमें ये लगा देते हैं। तो अब इसमें बस इतना ही था इसमें। तो अब देखिए अभी हमने यहाँ पर जो है वो गले का निशान लगाना है 3 इंच पे, 1 इंच हम इसमें शोल्डर डाउन कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए 1 इंच का ही इस तरह से निशान लगा था, मैंने 1 इंच पे इसको शोल्डर डाउन कर दिया है। तो अब देखिए गाइज अब हम यहाँ पर बैक नेक के लिए इस तरह से शेप कर देते हैं, ये देखिए ये बैक है मेरा, बैक में हमने किया है इसमें। अभी हमने क्या करना है ये देखिए, फ्रंट के लिए अभी हमने इसमें निशान लगाना है, ये मैंने डार्ट का निशान लगा रही हूँ मैं 4 इंच पे, 40 का चेस्ट का मैं बना रही हूँ इसमें, ये देखिए
इस तरह से 5.5 इंच पे लगाया है मैंने डॉट का निशान, और हाफ इंच मैंने दोनों तरफ लगा दिया है इस तरह से, और ये डॉट पॉइंट मैंने इसमें ये बना दिया है। ठीक है, तो अब ये हो गया अभी हमारा निशान। अब हम यहाँ पर गले की जो हमने लेस लगाई है उसका निशान हम इसमें कैसे लगाएंगे देख लीजिए आप लोग। अगर इसको आप एक दूसरे पर चढ़ाकर बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं ये 1/2 इंच इस तरह से ये एक साइड का मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये अंदर कर दूंगी, बस इतना ही चौड़ाई मुझे चाहिए इसमें लेस में। और इसकी जो चौड़ाई आ रही है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई आ रही है। अगर आप इसको एक दूसरे पर चढ़ाकर लगाना चाहते हैं तो इसको आधा करके यहाँ पर लगा दीजिए इस तरह से, और 1/2 इंच मार्जिन इसमें ये ले लीजिएगा और इसमें निशान लगा दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाला बताया है। आप इसको एक दूसरे पर चढ़ाकर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से करके इस तरह से ये निशान लगा सकते हैं, बट मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगी। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं इसको कैसे लगाऊंगी, ताकि हमारी लेस पीस में ये अच्छे से विजिबल हो इसीलिए। ठीक है, तो अब देखिए इतना मैंने निशान इसमें ये लगा दिया है। बैक में कट कर देती हूँ सबसे पहले, तो ये देखिए ये शोल्डर डाउन कर दिया था मैंने, ये नेक है हमारा बैक का, ये अब हम कट कर देते हैं यहाँ से। और ये जो है मैंने यहाँ पर शेप नहीं दिया था, ये शेप मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। ये देखिए अब इसको हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, दुपट्टे की भी वीडियो जरूर देखिएगा गाइज, मैं और भी चीजों के साथ इसको वेयर करूंगी दुपट्टे को, उसका भी वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा हमारा बन चुका था। और ये देखिए ये अभी हमने फ्रंट को अलग कर लिया, बैक को अलग कर लिया है, फ्रंट कर लिया है। आप देखिए गाइज मैं किस तरह से लेस लगाना चाहती हूँ उसमें। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं एक दूसरे के ऑपोजिट में लगाना चाहती हूँ। ये देखिए इस तरह से लगाना चाहती हूँ मैं। अब हम लगाएंगे इसका निशान। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई हमारी आ रही थी वो 1.5 इंच की थी, तो हमारे डबल में लगाएंगे हम तो इसमें 3 इंच हो जाएगा, तो 1.5 इंच ही हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसमें ले लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन, बस इतना ही था। जितनी आपकी लेस होती है उतनी ही चौड़ाई का आप इसमें निशान लगाना है, और 1/2 इंच इसमें मार्जिन के लिए ले लेना है, बस इतना ही करना है हमने। तो इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं। अब हमने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये शोल्डर हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा बैक के लिए उठाया था, वो हम कट करके हटा देते हैं इसमें से, और ये आर्म होल कट कर देते हैं इसमें से। और उसके बाद जो है हमारा नेक वो जो है वो हम इसमें कट कर देंगे। तो देखते रहिए एंड तक आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस बना था गाइस, तो आप लोग भी इस तरह का ड्रेस ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बनाना भी आसान है बहुत। तो गाइज अभी देखिए ये जो डार्ट है हमारा, इसको भी हम इसके दूसरे वाले पीस में कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कुल अब हम इसको यहाँ से इसका कॉपी हो जाएगा ये निशान, और ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से डैब डैब करेंगे तो ये निशान हमारा कॉपी हो चुका है। अब इसी को हम यहाँ से चौक से पक्का कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ से मैंने इसको पक्का कर दिया है। ये देखिए गाइज ये हमारा जो फ्रंट है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, कटिंग हमारी हो चुकी है इसकी। और ये बैक है हमारा, बिल्कुल हम इस डार्ट को अपने बैक वाले में भी बिल्कुल इसी तरह से लगा लेंगे। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसी पे रखते हुए हम एज इट इज कट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है हमने। ये देखिए एज इट इज मैंने इसको कट कर लिया है, जैसे हमारे पीस है लाइनिंग के बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको कट किया है। अब हम इसको चारों तरफ से सिल देंगे, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, चारों तरफ से हमने इसको सिलाई लगा देना है। और ये बैक देखिए, ये बैक भी मैंने कट किया है वेलवेट में। ये देखिए इसको भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, और जैसा हमने अपने फ्रंट में डार्ट लगाया था बिल्कुल वैसे ही डार्ट हम इसमें भी लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए इतना मैं कर लेती हूँ। ये देखिए डार्ट मैंने ये सिल दिया है, और अब हम इसका शोल्डर जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह से शोल्डर हमने इसको ज्वाइन कर देना है। अब हम इसमें कॉलर कैसे तैयार करेंगे ये आप लोग देखते रहिएगा। ये देखिए ये शोल्डर हमने इसको इस तरह से ये ज्वाइन कर देना है। मैं यहाँ पर पिन लगाकर आगे का आप लोगों को बता देती हूँ, फिर से इसको सिलाई नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अभी देखिए ये शोल्डर डाउन करने के बाद जो है हमने क्या करना है, ये देखिए अब हम इसका मेजरमेंट निकालते हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छे से इस तरह से ये लगा देना है। अब हम यहाँ से अपनी इंची टेप को रखेंगे और इसका मेजरमेंट निकालेंगे। जैसे देखिए मैं इंची टेप को रखते हुए लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मेजर करना है। ये कितनी इसकी लेंथ आ रही है इसका मेजर मैं कर रही हूँ। ये देखिए
इस तरह से। तो इसका जो आ रहा था वो मेरा 38 इंचेस पे आ रहा था, ये देखिए 38 इंचेस। तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी, यानी कि 40 इंचेस का मैं इसमें एक पीस ले लूंगी। देखिए ये इस तरह से मैंने लिया है। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है, जितनी हमारी लेस है, देखिए ये जो लेस है इतनी ही चौड़ाई का मैंने इसमें ये पीस लिया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेस को रखेंगे और उसके बाद हम इसको रखेंगे इस पीस को। अब जो आप लोगों को इसको अंदर करना है वही से मैं इसमें सिलाई लगाकर इसको अंदर कर दूंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अंदर इसको थोड़ा कम कर दूंगी इसकी चौड़ाई लेस की। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, तो चलिए सिलाई लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दिया है, इसको फोल्ड भी कर दिया है मैंने ऑलरेडी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने इसको आयरन कर दिया है गाइज। जितना मुझे लेस को अंदर करना था बिल्कुल उतना ही मैंने इसको अंदर कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हमारी एक पट्टी, सीधी सीधी पट्टी है ये, कुछ भी नहीं किया है मैंने इसमें, बस सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया है। तो अब देखिए इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये जो अंदर मैंने फोल्ड किया है लाइनिंग फैब्रिक को, इसके अंदर हमारा जो नेक है वो हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब इसको अंदर रखना है। मैं इसको पिन से अच्छे से सेट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से सेट कर देती हूँ मैं अच्छे से। कुछ नहीं करना है हमने इसमें, कुछ गोलाई वगैरह कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी पट्टी है ये, हमने इसको हमारा जो नेक है वही इसके अंदर 1/2 इंच के करीब अंदर डालते हुए इसमें पिन लगा देना है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें सीधा सीधा सिलाई लगा देंगे, ये अपने आप जो है वो वी शेप कॉलर जो है वो बन जाएगा। तो बस इतना ही था। ये देखिए इस तरह से रखना है हमने, आपने इसको अच्छे से आयरन करके रखा है मैंने, ताकि मैं इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा सकूं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है इसमें। तो बस इतना ही था, इसको मैं कट नहीं करूंगी गाइज। अभी जो बची हुई बचा हुआ लेस है इसको मैं स्लीव में लगाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसको सिलकर फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ आगे हमने अभी क्या करना है। ठीक है, तो देखिए गाइज अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दी हूँ। ये देखिए कुछ सीधा सीधा ही रखते हुए मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब हम इसको शोल्डर को यहाँ से सीधा करेंगे तो ये अपने आप जो है ये सेट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा सेट हो चुका है। तो अब इसी पे हमने ये नेक, इतना बड़ा तो हम नहीं रखेंगे, तो नेक को बंद करने के लिए एक पीस मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम यहाँ से अपना नेक लगाते हैं। मैंने 7 इंच पे इसका नेक रखा है। इससे छोटा अगर रखेंगे तो बिल्कुल ये ऊपर से हमारे नहीं जाएगा, सर से ये पार नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा रखा है। बिल्कुल मुझे बड़ा नेक पसंद नहीं आता है, फिर भी मैंने रखा है इसको। तो अभी देखिए यहाँ से हम इसको जितना हमने नेक रखे हैं वहां से हम इसमें निशान लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अभी हमने इसमें निशान लगाकर इसको पिन से सेट कर देना है और यहाँ पर बिल्कुल इसको अटैच करके हमने सिलाई लगा देना है। तो बस इतना ही था। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा ये ड्रेस बना हुआ था। बिल्कुल आप भी इस तरह का ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल प्लेन वेलवेट फैब्रिक में मैंने इसको टॉप को बनाया है, गाउन को बनाया है, और इसमें दुपट्टा जो है वो वेलवेट का ही है, बट उसमें जो है वो सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था। तो बस इतना ही था। ये देखिए हमने इसको इस तरह से ये सेट करके देखना है बैक वाले के अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर ये आगे पहुंच गया है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट करके देख लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेरा ये सेट हो चुका है। नेक बिल्कुल चौड़ाई इसकी नहीं हुई है, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको देखते हुए इसमें सिलाई लगा देना है। तो ये परफेक्ट है, मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए इसमें स्लीव मैं कट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 25 इंच की मेरी स्लीव थी, मैंने 26 इंच लिया है। 3.5 इंच पे मैं यहाँ पर डाउन कर रही हूँ। जितना मेरा चेस्ट है उसका 4 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पर ले लिया है, 10 इंच पे ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। और यहाँ पर देखिए हम अपना स्लीव राउंड रखेंगे, जो भी आपका स्लीव राउंड हो यहाँ पर लगा दीजिए, और 1.5 इंच मार्जिन इसमें ये ले लीजिएगा। तो बस इतना ही था। हम शेप पट्टी से इसको स्लीव को इस तरह से ये शेप दे देते हैं। ये हमारी स्लीव जो है वेलवेट की ही स्लीव है, तो मैं यहाँ पर पक्का करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ से हम अपना स्लीव का शेप दे देते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, इस गाउन को बनाना। अगर आप किसी वेडिंग के लिए बना रहे हैं तो जरूर इस तरह का ट्राई कीजिएगा। ये न्यू चल रहा है आजकल वी शेप कॉलर। ठीक है, तो चलिए देखिए ये मैंने इस तरह से ये कट कर लिया है अभी स्लीव को। यहाँ से हम अपना जो सेंटर है उसका नोच लगा देते हैं।
यहाँ से स्लीव का सेंटर मैंने लगाया है और यहाँ से हम अपना स्लीव का जो शेप होता है वो हम यहाँ से कट कर लेते हैं, जो हम अपने फ्रंट के लिए लगाते हैं वही शेप मैं इसको कट कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स भी जो है वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो बिगनर्स हैं प्लीज उनके लिए है ये, आप तो जरूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। ओके गाइस, तो चलिए देखिए ये मैंने स्लीव इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से, अब जो लेस हमारी बची हुई थी ये देखिए ये वाली, इसको मैं यहाँ से लगा दूंगी। बस इतना ही था, ये स्लीव जो है वो सिंपल थी। तो चलिए देखिए स्लीव को मैंने तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी जो नेक मैंने आप लोगों को बताया था ये देखिए, ये मैंने इसको भी तैयार कर दिया है। अब इस जो स्लीव है ये हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो बस इतना ही था, इसका जो घेरा है वो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं, जो बिगनर से उनके लिए है ये। आगे का आप लोग जरूर देखिए। अब देखिए ये कुछ इस तरह से ये तैयार हो चुका है, स्लीव मैंने इसमें लगा दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है ये। ओके, इतना जो है वो आप लोगों ने देख लिया है तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो चलिए देखिए इसका जो घेरा है वो कट करते हैं। अभी जो घेरा है वो मैंने कैसे लगाया है ये आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको मैं एक ट्रेंगल में फोल्ड कर देती हूँ, जैसे हम अपना अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए, ठीक है। तो अम्ब्रेला घेरा ही मैंने इसमें बनाया है, आप चाहो तो इसको कलियों वाला भी बना सकते हैं। मैंने इसको अम्ब्रेला घेरा ही लगाया है क्योंकि मेरा जो दुपट्टा है वो थोड़ा सा भरा हुआ है, थोड़ा सा उसमें वर्क किया हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस उसमें दुपट्टे में फुल वर्क किया हुआ दुपट्टा है मेरा। और जो हमारा गाउन है वो बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ नेक ही बना हुआ है उसमें। तो चलिए देखिए इस तरह से ट्रायंगल में मैंने इसको बिछा लिया है। लाइनिंग में आप लोगों को कट करके दिखा देती हूँ, डोंट वरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने ट्रायंगल में बिछा दिया है। अब हम यहाँ से अपना वेस्ट राउंड लगा देते हैं और जो भी आपने मार्जिन रखा होगा 2 इंच का, 1.5 इंच का, वो मार्जिन हमने इसमें ले लेना है। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन इसमें रखा है, तो मैं यहाँ पर अपना वेस्ट राउंड और 2 इंच मार्जिन इस तरह से ये लगाकर गोलाई में निशान लगा दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से लगाना है हमने निशान, मुझे पता है मुझे कितने पे लगाऊंगी तो मेरा निशान आ सकता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इस तरह से ये लगाकर इसको गोलाई में शेप दे दिया है, ठीक है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो जरूर इसको मेजरमेंट करते हुए ही लगाइएगा, इसको लगा लगा कर आप लोग मेजरमेंट कीजिएगा आपके वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही कट कीजिएगा, बिल्कुल मेरी तरह मत कीजिएगा। तो अब हम अपना लेंथ ले लेंगे, अपर पार्ट माइनस करते हुए इसमें अपनी लेंथ लगाएंगे जो की मेरी 43 इंच की है, यानी कि 57 इंच की मेरी फुल लेंथ है। मैंने 15 इंच इसमें माइनस कर दिया है, उसके बाद जो है 57 इंच पे इसको ये लगा दिया है। मार्जिन नहीं लिया है मैंने इसमें क्योंकि अंदर रहने वाला है, लाइनिंग है ये हमारा। तो देखिए इस तरह से गोलाई में मैंने इसमें निशान लगा दिया है, अब इसी निशान पे मैं इसको फटाफट से कट कर लूंगी। आई नो गाइस वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और आप लोगों को जरूर समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए ये जो लाइनिंग में है हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है यहाँ से, और जहां से हमने कट किए थे उसी को हम यहाँ पर लगा कर एक्स्ट्रा जो है वो हम कट करेंगे, इसको ज्वाइंट लगा लेंगे, ठीक है। इतना इसकी विड्थ नहीं थी फैब्रिक की, तो ये ज्वाइंट तो लगता ही है हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक में। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको पिन से सेट कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको इस तरह से जितना मुझे चाहिए था उतना मैं यहाँ से ये कट कर लूंगी। ये ब्लैक फैब्रिक है और आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अभी देखिए इसकी जो फोन की जो आपकी लाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा वीडियो को तो आप लोगों को ये दिखाई देगा। तो अभी देखिए ये इस तरह से मैंने इसको ये लाइनिंग को कट कर लिया, ये अम्ब्रेला घेरा है हमारा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने 6 मीटर फैब्रिक में कैसे ज्यादा घेरा निकाला है वह तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसमें ये बताऊंगी। मैं अम्ब्रेला घेरा भी कट करूंगी। अगर आप लोगों ने 4 मीटर 5 मीटर फैब्रिक लिया है तो जरूर इसी तरह से कट करना है जैसे मैंने लाइनिंग कट किया है। अब देखिए ये जो ज्वाइंट मैंने यहाँ पर लगाया था इसको हम यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट था, अम्ब्रेला घेरा में ज्वाइंट तो लगता ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको सिलाई लगाकर दोनों को ज्वाइंट को इसको तैयार कर लूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो चलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जो है हमारा मेन जो हमारा वेलवेट फैब्रिक था उसको भी मैं तैयार कर लूंगी, कट कर लूंगी उसको भी। मैंने बहुत ज्यादा घेरा उसमें रखा था क्योंकि मैंने 6 मीटर फैब्रिक इसमें लिया था,
तो अब देखिए ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारा जो वेलवेट फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो वेलवेट फैब्रिक हमने कट किया है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। दोनों को एक दूसरे के साथ सिलाई लगा देंगे। ये थोड़ा सा जो हैवी था वेलवेट फैब्रिक, इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था। तो डोंट वरी, हम इसको बिल्कुल खींचेंगे नहीं, एज इट इज रखते हुए सिलाई लगा देंगे। बस इतना ही था, हमारा जो अपर पार्ट हमने तैयार किया हुआ था इसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। तो टू पीस मैंने इसको कट किया है, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। और जो बैक है ये देखिए वो हो गया अभी, हमारा हमारा फ्रंट है ये। और फ्रंट में भी हम बिल्कुल ऐसे ही दोनों पीस इस तरह से ये लगा देंगे। तो हमारा जो घेरा है वो हम अटैच कर लेंगे। तो जरूर अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए ये मैंने तैयार कर दिया है, इसका घेरा जो है वो मैंने तैयार कर दिया है, देखिए लगा दिया है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। आप देखिए गाइस, इसका जो मेन है ना, इसका जो जिप है वो हम बैक में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें वी शेप कॉलर बना हुआ है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीच में से कट करके इसमें जिप को लगा सकते हैं, बट मैं इसमें इनविजिबल जिप लगाऊंगी, वो भी हमारे साइड में, ठीक है। तो इतना हैवी गाउन हम बना रहे हैं इसमें, तो बिल्कुल इसको हम खराब नहीं करेंगे। नीचे से देखिए यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर देंगे, नीचे का घेरा हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और भी ज्यादा आप लोग इसको हैवी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया था मेरा। अब हम बैक में जिप नहीं लगाएंगे। देखिए इनविजिबल जिप मैंने लिया है, देखिए ये भी दिखा देती हूँ। इसको मैं यहाँ से साइड में लगाऊंगी, पहले मैं इसकी साइड की सिलाई लगा दूंगी, उसके ऊपर मैं अपना चौक का निशान लगा दूंगी, फिर उसी निशान पे मैं अपनी जिप लगाऊंगी। होप कि ये आइडिया आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता था तो जरूर कमेंट में बताइएगा मैंने कैसे लगा ये आइडिया आप लोगों को। तो अब देखिए ये मैंने तैयार कर दिया है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा हैवी सा खूबसूरत सा हमारा गाउन तैयार हो चुका है। नीचे का घेरा जो है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सा ड्रेस, हैवी सा ड्रेस बन गया था। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है ना, अब जो है ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा है आप लोगों को, बट इसके ऊपर जो है ये मैंने दुपट्टा तैयार किया हुआ है, ठीक है, इसी लेस के साथ। यही लेस जो है आप, मैंने जो दुपट्टे में लगाया था वही लेस मैंने कॉलर में लगाया। होप कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। ये पूरा जो बंडल हमारा 9 मीटर का जो आता है ना, वो मुझे 450 रुपए का इसका जो ये लेस का बंडल था ना वो मुझे मिला था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये दुपट्टा है हमारा। तो डोंट वरी, ये लेस मैंने इसमें कैसे लगाया है ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें सीक्वेंस का जो है वो वर्क किया हुआ है, बिल्कुल ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। ये भी वेलवेट का ही दुपट्टा है गाइस, वेलवेट का ही दुपट्टा मैंने इसमें यूज किया हुआ है, पर थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो हैवी वेलवेट मैंने लिया है। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, क्या समझ में नहीं आया कमेंट में पूछिएगा। और ड्रेस मेरा कैसे लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और दुपट्टे की वीडियो जो है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़।